भिलाई तीन जरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरी लगातार निगम क्षेत्र में विकास कार्यों का भूमि पूजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 30 गुरला में स्थापित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाले खराब पानी को उपयोग में लेने के लिए प्लांट से इसकी निकासी कर खेतों की सिंचाई करने के उद्देश्य से नाले निर्माण का भूमि पूजन महापौर निर्मल कोसरी ने किया। साथ ही प्राचीन शिव मंदिर देवबलोदा में स्थित मुक्तिधाम में बर्निंग शेड और मुक्तिधाम के सौंदर्यीकरण के लिए 85,91,000 का भूमि पूजन भी किया। देवबलोदा के एक बड़े क्षेत्र में एकमात्र मुक्तिधाम होने से ये काफी उपयोगी और व्यस्त रहता है, जिसे देखते हुए आगंतुकों के बैठने पीने के पानी इत्यादि सहित एक स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से इसे भी विकसित कर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। नगर निगम भिलाई चरोदा के वार्ड क्रमांक 30 उरला में वाटर प्लांट हमारा लगा हुआ है, जहां पानी निकासी के लिए नाला निर्माण करने के लिए हम लोगों ने 45,20,000 के लागत से बनने वाले नाला, जहां से लोगों के खेत में पानी जाता है, वहां से जो हमारा पानी, खराब पानी जो रहेगा, उस पानी को उस नाला के माध्यम से किसान भाइयों के सिंचाई के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए कल विधिवत रूप से नारियल तोड़ के काम की शुरुआत की गई। इसी कड़ी में हम लोगों ने देवबलोदा में मुक्तिधाम, काफ़ी बड़ा बस्ती है, 5,000 से ज़्यादा के लोग वहाँ पर निवास करते हैं, प्राचीन देवलोदा नगरी है, जहाँ के लिए बाउंड्री वॉल और ग्रेट निर्माण के लिए 45,88,000 रुपया, साथ ही साथ देवलोदा में बर्निंग सेट और उस प्रांगण को सौंदर्यीकरण करने के लिए 40,00,000 रुपये की राशि से, इस प्रकार से 85,91,000 की राशि से देवलोदा के मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा।